हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अबे मरेगा क्या? ये गाड़ी मिली तेरे को मरने के लिए? अभी ब्रेक नहीं मारता ज्यादा ऊपर तू। सॉरी यार। हाँ क्या खड़ा क्या वहां पे है? बेवकूफ ना हो तो। ये आवाज कहां से आई? गाड़ी में बैग? ये बैग कौन छोड़ दिया? तुमने देखा था ना टैक्सी में आग लगते हुए? हाँ सर। ये आग कैसे लगी? साहब मेरी सिर्फ इतनी गलती है, मैं टैक्सी वाले के सामने आ गया साहब, बस इतना ही। आग कैसे लगी? साहब सिर्फ गलती मेरी ही है, मैं ही वहाँ पर आ गया था साहब। टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाई, वो मुझे गाली देने लगा साहब, मैं उसे माफ़ी मांग रहा था और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा साहब, गाड़ी में धमाका। पीछे मुड़ के देखा टैक्सी वाले ने? हाँ साहब। कोई पीछे से आ रहा था? नहीं साहब, टैक्सी वाले ने सिर्फ पीछे मुड़कर देखा और धमाका वहीं से हुआ। हाँ साहब। बम टैक्सी में ही था सर। किसी और की लाश भी नहीं मिली टैक्सी में, तो फिर कोई बम टैक्सी में रखे उतर गया क्या? अगर सर कोई टैक्सी वाले को क्यों मारेगा? ये बात तो है, टैक्सी वाले को मारने के लिए इतना बड़ा बॉम्ब? या तो ये टैक्सी वाला बॉम्ब लेके कहीं जा रहा था, या फिर कोई बॉम्ब टैक्सी में रख के भूल गया। सर ये साहब इस टैक्सी के पीछे से ही आ रहे थे। हाँ सर, पिछले एक दो सिग्नल पे मैंने इसे देखा था। ड्राइवर के अलावा और कोई था टैक्सी में? नहीं, टैक्सी में और कोई तो नहीं था, मगर ड्राइवर थोड़ा जल्दी में जरूर था। अच्छा सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं बची, सारे पेपर जल चुके हैं गाड़ी के। ड्राइवर कौन था ये पता लगाना बहुत मुश्किल है सर। इंजन नंबर, चेसिस नंबर देख सकते हैं? हाँ देखो। सर, चेसिस नंबर है 306870 और इंजन नंबर है 4P1180। मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को फोन करता हूँ। हाँ सर, सरबुद्दे। हाँ यार, इतनी रात को और कौन फोन करेगा? एसीपी प्रद्युमन ही करेगा ना? हाँ बॉस, ऑफिस खुलवा के एक टैक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो क्या? हाँ, एक ब्लास्ट हो गया है। हमारे शस्त्र बुद्धे साहब की और आपकी एसीपी की दोस्ती बहुत भारी पड़ रही है हम लोगों को। आप लोगों को क्या रात में ही काम याद आता है? अब टैक्सी में ब्लास्ट रात को हुआ है तो रात को ही आएंगे ना। क्या ब्लास्ट हो गया? हाँ ब्लास्ट, पूरी टैक्सी चल गई है। सर,
ये क्या हो सकता है? मतलब इस चीज का हो सकता है? ये जिस बैग में बॉम्ब रखा था उसी का होगा। मगर सर ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई आदमी टैक्सी में बॉम्ब क्यों रखेगा। किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रखता तो काफी लोग मरते। पहले ये तो पता चल जाए ये गाड़ी किसकी है, फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन अपने आप मिल जाएगी। बताइए आपके पास क्या क्या है? हमारे पास गाड़ी की चेसिस नंबर है और इंजन नंबर है। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी फिएट है। जरा चेसिस नंबर बताओ। चेसिस नंबर है 306870। ये तो किसी प्रीतेश कुमार के नाम पे है। इंजन नंबर बोलना जरा। इंजन नंबर है 4P1180। गाड़ी का इंजन भी बदला हुआ नहीं है, ओरिजिनल है। दोनों नंबर एक ही नाम दिखा रहे हैं, प्रीतेश कुमार। गाड़ी का नंबर है ZMW592। गाड़ी 10 साल पुरानी है, 3 साल मुंबई पुणे रोड पर चली हुई है और 7 साल पहले इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है। इस प्रीतेश कुमार का पता देना। 104 कटारिया बिल्डिंग, मोरासिस रोड, वडाला। सही है, देखिए एकदम जला हुआ लगता है, ब्लास्ट के साथ उड़कर वहां गिर गया। टेडी बेयर, इसका मुंह ब्लास्ट में उड़ गया क्या? दूसरा इसका यहाँ है। ये रात को हम लोगों का मुंह देख के मूड खड़ा जाएगा घर वालों का। रात का 1:30 बज रहा है, क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, ब्लास्ट का मामला है। एक तो रात को आ रहे हैं, ऊपर से आदमी की मौत की खबर ला रहे हैं, तो क्या करना है, चले क्या यहाँ से? ये बात नहीं है। कहिए क्या बात है? बात ये है कि हम लोग CID से आए हैं। CID से? जी, ये मेरा आई कार्ड है। कार्ड वार्ड तो ठीक है, पर बात क्या है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतने रात को? जी। क्या बात करनी है? जो करनी है यहीं से करो, मैं तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगी। देखिए बात ऐसी है कि ये बात मैं आपसे यहाँ बाहर खड़े खड़े नहीं कर सकता। नहीं, यहीं से बताओ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। देखिए कानेकर रोड पे एक टैक्सी में ब्लास्ट हो गया है, टैक्सी पूरी तरह जल गई है और हमने पता लगाया कि वो टैक्सी आप लोगों की है। क्या? और शायद उसमें आपके पति की मौत हो गई है। क्या मौत हो गई है? जी हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं है। क्या बात है? ये लोग कह रहे हैं कि आप टैक्सी में जलकर मर गए। क्या? टैक्सी जल गई? आप प्रीतेश कुमार हैं? हाँ। तो फिर टैक्सी में कौन मरा? आपकी टैक्सी कौन चला रहा था? ZMW592 यही नंबर है ना आपकी टैक्सी का? हाँ, वो हमारा ड्राइवर था राजू, वही टैक्सी चला रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या बता सकते हैं कि ज्यादातर आपकी टैक्सी कहाँ से चलती है? हाँ, राजू हमेशा दाबोली नाके के स्टैंड से ही टैक्सी चलाता था। सर, आप लोगों को खबर मिली है ना, कल रात एक टैक्सी में आग लगी थी। हाँ साहब, बेचारा राजू मारा गया। साहब आप कह रहे हैं कि गाड़ी में आग लग गई, लेकिन हमें तो पता चला है गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। देखो बिना बात के शहर में घबराहट फैलेगी, इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि टैक्सी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लगी। साहब ये टैक्सी का धंधा बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब हो गया है, इसमें खतरा बहुत बढ़ गया है। अभी दिन रात मजदूरी करके 2 पैसा कमाओ और रात को पैसेंजर टाकिन से बम रख के उतर जाता है। हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? शक्ल सूरत से तो वो दोनों ठीक ठाक लग रहे थे यार, वो दोनों आदमी ठीक ठाक लग रहे थे। कौन आदमी? वही साहब, वही जो राजू की गाड़ी में बैठे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग गाड़ी में बम लगा देंगे। तुमने उन्हें देखा? हाँ साहब, देखा है हमने। अरे साहब, जाते वक्त राजू ने यही सामने गाड़ी रोका था, बोला लंबा भाड़ा मिला है, बहुत कुछ था साहब। मुश्किल से 100 रुपए मिलने वाला था साहब, मारा गया बेचारा। देखो तुम लोग हमारी मदद कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चल के ब्यूरो में उन लोगों का फोटो बनवा सकते हो। उनमें से ये वाला तो बहुत गोरा था, बहुत ज्यादा गोरा था,
आंखें इसकी एकदम हल्की हल्की थी, हल्की भूरी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी थी, और वो दूसरा वाला थोड़ा सा सांवला था ना। हाँ, और वो दिखता तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा साहब ने बनाया है ना। और उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी ना। हाँ बिल्कुल ऐसी ही टेढ़ी थी। सर मुझे लगता है ये आदमी या तो ये टेडी बेयर किसी के लिए लेके जा रहा होगा या फिर ये कहीं बेचने के लिए जा रहा होगा। सर बेचने के लिए मतलब? मतलब सर ये कोई टॉयज का एजेंट होगा। इस पे कोई निशान वगैरह मिला है क्या? हाँ सर, इतनी जोर से धमाका हुआ फिर भी इसके बनाने वाले का नाम जलने से बच गया। ये देखिए चिम टॉय, ये कंपनी तो सूरत की है। इस कंपनी का यहाँ मुंबई में ऑफिस ढूंढो, वहाँ इंक्वायरी करो, थोड़ा सा भी कुछ पता चल जाए इन आदमियों के बारे में तो ब्लास्ट का सुराग मिल सकता है। और दया सर, ये टूटा हुआ टेडी बेयर फोरेंसिक लैब में है, और डॉक्टर फारिंग को दिखाओ, शायद डॉक्टर इसमें कुछ ढूंढ ले जिससे पता चल जाए कि ब्लास्ट किस चीज का है। यस सर। चलो देखते हैं, आर्टिस्ट ने अभी तक दोनों आदमियों की स्केचेस बनाई कि नहीं? एक तो बन गया था सर जब मैं अंदर आया। देखें दोनों स्केचेस तैयार हैं। गुड, देखो देखो ऐसे ही दिखते थे ना वो दोनों? हाँ हाँ साहब ऐसे ही दिखते थे। यही है सर वो दोनों। चलो एक काम तो हुआ, कम से कम शक्ल तो मालूम पड़ी दोनों की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालुंके, सालुंके साहब कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ दया। ओह, मैं यही सोच रहा था कहाँ गायब हो गया। गार्ड ने बाहर बताया कि आप अंदर हैं। नहीं, तुम्हारे टैक्सी ड्राइवर का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। मैं अंदर आऊँ? तुम बैठो बाहर ही, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लाश की हालत बहुत खराब है, तुम अंदर मत आओ। ओके। ये क्या है? ये रिंग माथे में कैसे घुस गई? देखो लाश के सर में से क्या निकला है। अरे सो भी गए, अभी अभी आए। और दया, 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 ओह माय गॉड, दया, दया, चलो दया, दया, एसीपी साहब एक एम्बुलेंस भेजिए फौरन। दया आया और अचानक बेहोश हो गया। डॉक्टर सालुंके। यस एसीपी साहब। क्या हुआ सालुंके, अचानक दया फोरेंसिक लैब में बेहोश कैसे हो गया? सी यू शुड बी केयरफुल, तुम्हारे कुछ केमिकल्स इधर उधर बिखरे तो नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं एसीपी साहब, मैं तो अंदर रूम में लाश का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, बाहर आके देखा तो दया का सर टेबल से टिका हुआ है, उसे हिलाया तो गिर गया। वो यहाँ आया तो ठीक था ना? जी हाँ, मगर मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, मैं तो अंदर था। अब पहले से ही कुछ पी के आया हो तो कह नहीं सकते। अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो, लैब में ही कुछ हुआ है। लैब में अगर कुछ गड़बड़ होती तो मुझे भी कुछ होता, मुझे क्यों नहीं हुआ कुछ? मैं कह रहा हूँ या तो पहले से ही पिए हुए था या कुछ लिए हुए था। फिर वही, क्या लिए हुए था? कोकेन। कोकेन? जी हाँ कोकेन। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हाँ दया के बारे में। तुम अपने पूरे होश व हवास में हो? जी हाँ पूरे होश आवाज में। लगता तो नहीं है। वो बात अलग, और ये कोकेन वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स कह रहे हैं। उनका मानना है कि सारे सिम्टम्स कोकेन के हैं। ओवरडोज ऑफ कोकेन। ओवरडोज? यस बॉस। मगर वो तो एक टेडी बेयर लेके गया था तुम्हारे पास। टेडी बेयर? हाँ मगर वो टेडी बेयर मैंने तो कहीं देखा नहीं। देखा नहीं, मगर वो तो बहुत जरूरी एविडेंस है टैक्सी वाले ब्लास्ट का।
चलो चलो देखो, यहां गिरा था दया? हाँ यहीं गिरा था। देखो अभिजीत, ये रहा। यार मैं दया की हालत देख करके इतना हड़बड़ा गया था कि मुझे तो दिखाई नहीं दिया। देखो जरा ये देखो, दया ने यहां से फाड़ करके देखा, यही कुछ होगा। अरे ग्लास प्लेट लाना जरा। तुम जरा केयरफुली निकालो, मैं तब तक टेस्टिंग इक्विपमेंट तैयार करता हूं। टेडी बेयर में छुपा के रखा है, कुछ खतरनाक चीज लगती है ये। दयान यही चखा होगा। सांगे, तो देखो ये क्या है। इक्विपमेंट तैयार है, पहले हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं सैंडली फोर एंडर डिलाई में। डालो इसमें जरा, थोड़ा और डालो, और थोड़ा, बस। अरे मैं आपको एक चीज दिखाना भूल गया। एसीपी साहब ये देखिए, ये मुझे लाश के फोर एड्रेस मिले। ये किसी नंबर लॉक कर रही है? हाँ, किसी ब्रीफ केस का। शायद ड्राइवर ब्रीफ केस देखने के लिए ही पीछे मुड़ा और उसी समय बम फटा, क्योंकि ड्राइवर का पूरा चेहरा गायब और जल गया। और ब्लास्ट होने की वजह से जब बैग फटा तो ये ताला टूटकर सीधा यहां घुस गया। सर, सर ये देखिए सर, रंग बदल रहा है। बॉस ये 100% प्योर कोकेन है, बहुत खतरनाक है। ये सारा खेल टेडी बेयर्स का है। जिस टैक्सी में ब्लास्ट हुआ उसमें टेडी बेयर्स भी थे। ये खिलौने बनाने वाली कंपनी चिम टॉयज के मुंबई ऑफिस को ढूंढ निकालो। हमारे बनाए हुए चिम टॉयज दुनिया भर में बिकते, अब कौन सा खिलौना कौन से घर में गया ये कैसे पता लग सकता है? हर खिलौने के ऊपर हम खरीदने वाले का नाम थोड़ी लिखते हैं। आपकी सूरत में जो फैक्ट्री है वहाँ से ये तो पता चल सकता है ना कि पिछले महीने कितने कितने टॉयज कहाँ कहाँ भेजे गए। हाँ क्यों नहीं पता चल सकता, मुंबई में कौन सा कंसाइनमेंट कहाँ पर गया ये मैं आपको यहीं से बता सकता हूँ। बता सकते हैं? हाँ, हमारे चिम टॉयज का मुंबई एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि कौन सा खिलौना कहाँ गया, ये कैसे बता सकते हैं? मैडम मैं बात कर रहा हूँ पेटी की, खिलौनों की पेटी बोले तो कंसाइनमेंट। जैसे कि 1000 खिलौने फलानी कंपनी ने लिए, 2000 खिलौने फलाने ने लिए। 100-150 टेडी बेयर्स अगर कोई लेगा तो पता चल सकता है ना? बिल्कुल पता चल सकता है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको अभी कंप्यूटर पे बता देता हूँ। आइए आइए आइए। ये देखिए, ये 100 टेडी बेयर्स की डिलीवरी इनको गई है। कौन है ये? कोई मिस्टर कामिसेल है। कामिसेल? हाँ, इन्होंने डिलीवरी होटल रुबल में मंगवाई थी। होटल में मंगवाई? जी, वो बाहर से आए हैं और वहीं रुके हुए। सर देखिए, कहीं वो यही तो नहीं है? हाँ यही है वो। तो इनका नाम कामिसेल है। चलो होटल रुबल में इनसे मिलते हैं। हेलो, एस आई आशा हियर। What? Oh my God! All right, sir. Daya की हालत बहुत खराब है. He's sinking, sir. हम लोग CID से हैं. CID से? आप जरा ये sketches देखिए. क्या बता सकते हैं कि आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? ये वाला चेहरा कुछ पहचाना हुआ लग रहा है. ये मिस्टर सुमेश हैं. हमारे यहाँ ही ठहरे हुए थे. ठहरे थे? अभी नहीं है? जी नहीं. वो तो आज सुबह ही निकल गए. चेकआउट कर गए. अच्छा, जब वो यहाँ से निकले तो उनके पास काफी सामान था? सामान जैसे तो 2-3 बैग्स थे उनके पास, जैसे हर एक के पास उतने पैसे ही। हाँ, मगर उनके पास बहुत सारे बैग थे, प्लास्टिक बैग्स। अच्छा, बाई चांस आपको या आपके किसी स्टाफ मेंबर को याद होगा कि उनसे मिलने यहाँ कौन कौन आया था? ये तो
मुझे याद नहीं कि कौन कौन यहाँ आया था। हाँ इतना जरूर मालूम है कि एक पूरा ट्रक यहाँ पर आ गया था उनके लिए सामान लेके। कहाँ पे? सर वहाँ आगे। सर आइए सर, यही है वो कमरा। सर अब एक बात तो पक्की हो गई है, जो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले टैक्सी में बैठा था वो इस होटल में तो ठहरा था। आशा एक काम करो, कमरे को ठीक तरह से चेक करो। जी साहब, ट्रक यहीं पर खड़ा हुआ था। यहाँ पे रात भर खड़ा हुआ था? हाँ साहब, रात भर खड़ा था। और ड्राइवर कहाँ पे था? ड्राइवर भी यहीं पर था साहब। यहीं पे? अच्छा, उसके साथ कोई और आदमी भी था कि वो अकेला था? साहब जब ट्रक आया था तो उसके साथ में एक आदमी और था, पर बाद में वो चला गया। फ्रेडरिक्स, कारपेट और सोफा ध्यान से चेक करो, और वो सेंटर टेबल भी जिसमें कांच लगा हुआ है। मैं इस कमरे में देखती हूँ। यही आदमी है ना जो यहाँ ठहरा हुआ था? हाँ साहब, यही आदमी था। जब ये सुबह यहाँ से निकले तो ये ट्रक में बैठ के ड्राइवर के साथ गए थे? नहीं साहब, ये तो साहब टैक्सी से गए थे। अच्छा, जब ट्रक रात भर यहाँ पे खड़ा हुआ था तो उसमें से किसी ने सामान निकाला था? साहब इधर से एक दूसरा रास्ता है जहाँ से होटल का सामान आता है। यहाँ से? हाँ साहब यहाँ से। रात को साहब यहाँ से जय किशन आया था 5-6 बार। जय किशन? अब ये जय किशन कहाँ से आ गया बीच में? ये साहब होटल का वेटर है, रात को ये कमरों में खाना वगैरह पहुँचाता है। अच्छा, तो क्यों आया था? क्यों आया था ये जय किशन यहाँ पे 5-6 बार? ट्रक में से सामान निकाल के ले गया था शायद 5-6 बार। कहाँ ले गया था? कमरे में साहब, शामेश के कमरे में। आशा? हाँ फ्रेडरिक्स। ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब है इस कमरे में कोकेन लाई गई। यहाँ पे भी है। देखिए कुछ मिला है कमरे में। आशा कहाँ पे है? सर एक यहाँ पे, और सर दूसरा ये देखिए, ये देखिए सर। देखा हो गया ना कंफर्म? इस रूम में गर्द का व्यापार हुआ है और आपका एक आदमी भी मिला हुआ है इसमें। हमारा आदमी? जी हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर जय किशन। हाँ जय किशन, क्या हुआ था रात को यहाँ पे? रात को यहाँ पे? हाँ इस कमरे में क्या हुआ था? इस कमरे में यहाँ तो सब ठीक था है? नहीं सर, सब लोग आराम से सो रहे थे। देखो जय किशन, वक्त बहुत कम है, हमारे एक ऑफिसर की तबीयत बहुत खराब है और भी न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं। जय किशन सच सच बता दो। जय किशन और क्या बताऊं साहब। अब बता क्या हुआ था? उसने मुझे 2,000 रुपए दिए और कहा चुपके चुपके थोड़े थोड़े करके सारे खिलौने ऊपर लेते हैं, और फिर सुबह मैंने जाके उस सारे बॉक्स से नीचे ट्रक में रख दिए। यहाँ कमरे में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब। का नंबर याद है? जी। क्या है? ZA 011 K 5171। सर और भी कुछ मिला यहाँ, ये देखिए क्या छुपा के रख रहा है। ये देखिए सर, प्लास्टिक बैग्स। ये आदमी कर क्या रहा है? गर्द टेडी बेयर में भर रहा है कि इस बैग्स में? ACP साहब, we are trying our level best. मुझे लगता है दया इसमें से निकल जाएगा। इतना लंबा चौड़ा आदमी है, इसी से बच गया। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक ऊपर पहुंच गया होता। कहीं इसने गलती से कोकेन चखे तो नहीं देखी? हाँ, जब इसे लाए थे तो इसकी जीभ मैंने देखी थी, कुछ लगा हुआ था इसके टंग के ऊपर, और इसके हाथ की उंगलियों पर भी एक पाउडर सा लगा हुआ था। शायद इसे तब शक भी नहीं होगा कि टॉय में कोकेन हो सकती है। हाँ अभिजीत, ट्रक का नंबर मिल गया। गुड, वेरी गुड। ट्रक भी पकड़ा गया। कहाँ पे? हाईवे नाके पे।
हाँ पैट्रिक्स। सर ये वही ट्रक है, हाईवे पुलिस ने इसे पकड़ा है। वो लोग तलाशी लेना चाह रहे थे लेकिन मैंने बोला पहले अभिजीत सर को आने दो। कहाँ पे हैं वो लोग? वहाँ पर है सर। ड्राइवर किधर है? इधर आओ। हाँ साहब। इधर आओ तुम। हाँ साहब बोलिए। बोलो इसे। चलो। हाँ साहब खोलता हूँ साहब। होटल से माल लाया ना तू? हाँ साहब। सारी रात वहीं पे खड़ा हुआ था ना? हाँ साहब। क्या है इसमें? साहब हमको कुछ मालूम नहीं है साहब। पता नहीं है? खोलो इसे। साहब मालूम नहीं है साहब हमको। खुल गया सर। साहब हमें कुछ पता नहीं है साहब, हमें छोड़ दो। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। माय गॉड। संभाल ना सर। साहब हमको छोड़ दो साहब। चुपचाप खड़े रहो। माय गॉड। देखा क्या है इसमें? टेडी बेयर्स। उस टैक्सी वाले ब्लास्ट में भी टेडी बेयर्स थे और यहाँ भी टेडी बेयर्स। हाँ तो ड्राइवर साहब बताओ, बॉक्सेस लेके तुम कहाँ भागे जा रहे थे? मैं कहाँ भागा जा रहा था साहब, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि शहर के बाहर जाके नाके पे खड़ा रहना, वहाँ कोई आके हमको बताएगा कि हमें कहाँ जाना है। चुपचाप बताता है कि नहीं, कहाँ जा रहा था है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम रात भर ट्रक लेके होटल के बाहर खड़े थे? जी जी। तुम्हें मालूम था ट्रक में से ये बॉक्सेस निकाल के होटल के कमरे में ले जाए गए? जी साहब। और फिर थोड़ी देर बाद ये बॉक्सेस वापस ट्रक में लाके रखे गए? जी। तुम्हें मालूम है इन डिब्बों में क्या है? खिलौने हैं साहब। तुम्हें मालूम है इन खिलौनों के अंदर क्या भरा हुआ है? जी कपड़े या रुई भरी होगी। हम कपड़े और कॉटन की बात नहीं कर रहे हैं, कोकेन की बात कर रहे हैं, कोकेन की, समझे? अभी पता चल जाएगा। आशा सर, कुछ मिला है टेडी बेयर्स में? नहीं सर, सारे के सारे बॉक्सेस खोल के देख लिए, इनमें सिवाय रुई के और कुछ भरा हुआ नहीं है। वो रात भर कमरे में टेडी बेयर्स मंगाता रहा, वापस ट्रक में रखता रहा, क्यों कर क्या रहा था वो? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा किया कि हम तो भाग लेंगे इस ट्रक के पीछे और वो असली माल कहीं और पहुंचा देगा। होटल के कमरे में कुछ व्हाइट पाउडर मिला था ना? हाँ सर, कारपेट पे पड़ा था थोड़ा सा। मतलब उसने वो पाउडर कहीं तो पहुंचाया है, मगर कैसे कैसे पहुंचाया? सारे टेडी बेयर्स तो यहीं पड़े। होटल में से कुछ प्लास्टिक के बैग्स भी मिले हैं ना? यस सर। अच्छा सर, जरा वो प्लास्टिक बैग लेकर आओ। यस सर। फ्रेडरिक्स सर, इस ड्राइवर को जरा अंदर बिठाओ। जाइए। मैंने क्या किया? चलिए। अरे साहब इसीलिए साहब, चलिए चलिए। अरे साहब चलिए। दस बारह दुकानों की बैग्स हैं, काफी सामान खरीदा होगा उसने। काम करो, ये स्केच लेके इन सारे दुकानों में जाओ जिन जिन के ये बैग्स हैं, वहां ये स्केच दिखा और पूछताछ करो, कुछ तो पता चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सारी दुकानें छान मारी मगर अभी तक उस आदमी का पता नहीं चला है। ये एक नाम बचा हुआ है, गुड बियर। इस नाम का बैग दिखाई नहीं पड़ा, इनमें नहीं है? नहीं सर, इनमें तो मैंने देखा, इनमें नहीं है सर। तो फिर कहाँ गया? लिस्ट में तो नाम है। हाँ सर सॉरी, यहाँ है, नीचे गिरा हुआ था, ये रहा सर। गुड बियर, चलो। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ पूछताछ करनी है। उनसे पूछताछ कीजिए। किनसे? वो जो है ना उनसे। जी हाँ। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है। कहिए। ये बैग आपकी दुकान का ही है ना? जी है तो हमारी दुकान का, क्यों इसमें कुछ मिला है क्या आपको? कुछ नहीं मिला, इसीलिए आए आपके पास। जरा ये स्केच देखिए, पहचानते हैं इस आदमी को? हाँ ये आया था यहाँ पे। गुड, कब आया था? कुछ दिन पहले। नाम क्या है इस आदमी का, ये आया क्यों था यहाँ पे? शायद अपने बेटे का स्कूल ड्रेस बनवाने आया था और नाम भी अपने बेटे का लिखवाया था। बेटा बहुत खुश हो गया था नाम सुन के। ये देखिए रमेश, मगर इस पे कुछ पता तो लिखा हुआ नहीं। कोई पता बताता है तो लिख लेते हैं वरना छोड़ देते हैं। ये ड्रेस कौन से स्कूल की है? राजहंस स्कूल। राजहंस। एसीपी साहब, वो
समेश के बेटे को किडनैप कर लिया स्कूल से। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग उसकी स्कूल की ड्रेस जिस दुकान में बनी थी वहां तक पहुंच गए थे और वहां से स्कूल पहुंचे थे, मगर हाँ सर, ये सर, ओके ओके सर, ओके। सारी की सारी पुलिस उस ट्रक के पीछे लगी होगी और हम पूरा का पूरा माल उनकी नाक के नीचे से निकाल के ले आए। चंदन, एक काम करो, सारे के सारे पैकेट प्लास्टिक बैग में भरो, और हाँ, कुछ पैकेट्स में लड़कियों के कपड़े रख देना और कुछ में आदमियों के। हाँ सर, किसी को शक भी नहीं होगा कि बैग में गर्द का पाउडर है। और उधर उधर पुलिस वाले सारे के सारे टेडी बियर्स अपने घर ले जाएंगे, कुछ ऑफिस में भी रखेंगे और दिन रात उससे खेलते रहेंगे। हो गया साहब। तो फिर इंतजार किस बात का चंदन, फटाफट सारा सामान पैक कर, काम खत्म होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा शहर के बाहर और कुछ दिनों तो गायब रहूंगा। उसके बाद जैसे और माल आएगा मैं तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है? ये ले, फोन का नाम लिया और फोन आ गया। हेलो, देखो देखो मेरे बेटे को कुछ मत करना, करूंगा करूंगा। सारा नहीं, लेके आऊंगा। कहाँ आना मुझे बताओ, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन लेकिन प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना। क्या हुआ बॉस? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, बदले में सारी की सारी गर्द मांग रहा। ये सब दे देंगे तो हम लूट जाएंगे बॉस। अबे चुप चुप चुप, मेरे बच्चे की जान ज्यादा कीमती है या तुम लोगों की? ये सारा का सारा माल इस बैग में डालो, मुझे एक घंटे के अंदर अंदर फैक्ट्री पहुंचना है, जल्दी करो। अब तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। जाओ जाओ जाओ, बाहर का दरवाजा बंद करके जाओ। हेलो, हाँ, अकेला ही है। अब ला तो रहा हूं, जो जो भी कहे लेके आ रहा हूं। बच्चे का मामला नहीं होता, मैं देख लेता एक एक को। नहीं नहीं, देखो देखो, मैं आ रहा हूं, मैं सब लेके आ रहा हूं। जा रहे हो सुमेश? तुम? हाँ मैं। तुम तो? नहीं, मैं मरा नहीं, मैं तो उस टैक्सी में था ही नहीं जो टैक्सी जली। पहले जब तुम टैक्सी से उतर गए तो अचानक मेरा ध्यान उस बैग पे गया जो तुम छोड़ के गए थे। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है, मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर वहीं उतर गया, बेचारा टैक्सी वाला मारा गया। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने हम दोनों को मारने का प्लान बनाया था। किसी ने नहीं, तुमने। और अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, बैग वहीं फेंक दे, फेंक दे बैग। देखो 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 लंडर, किसी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया, अगर मैंने उनको ये घर नहीं दी तो मेरे बच्चों को मार देंगे। और यहां से बैग लेके निकला तो तू मारा जाएगा, बैग फेंक दे। प्लीज मेरा बच्चा, फेंक बैग, प्लीज मेरा बच्चा, बैग फेंक। बम से तो तू बच गया था, अब मरा।
दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चे की लाश देख नहीं सकता है ना, तो उन हजारों माँ बाप का क्या होता होगा जिनके बच्चे ड्रग्स लेने की वजह से मर रहे हैं? हाँ, बच्चा का है। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हें यहां तक लाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा। मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलो, मैं देखना चाहता हूं ठीक है कि नहीं। मुझे तुम लोगों का विश्वास नहीं, न जाने इन गोलियों की आवाज से मेरा मन पतन कैसा हो गया। मुझे ले चलो मेरे बच्चे के पास। हम तुम्हारे बच्चे को तुमसे मिला सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? पहले उस एक एक आदमी का नाम बताओ जो तुम्हारे साथ इस धंधे में मिले हुए हैं, और दूसरे वो सब जगह दिखाओ जहां से तुम ये सब करते हो। मैं सब बता दूं, लेकिन मुझे मेरा बच्चा दिखा दो। शूट शूट शूट, लेफ्ट लो, लेफ्ट दबाओ, शूट लेफ्ट लेफ्ट। क्या क्या कर रहे हो तुम? ये लेफ्ट दबाना चाहिए ऐसे। आदे, सब ठीक है? क्या दया, अब उठ जाना यार, बहुत हो गया। और कान को हाथ लगा, आगे से कभी कोकेन नहीं लूंगा। कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। अब कहाँ थे पापा? कहीं नहीं बेटा, मैं इन लोगों के साथ में था। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, मुझे इनसे जरूरी बात करनी थी ना। सर, बच्चे के सामने अरेस्ट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट किया। ठीक है रमेश, बेटा अब तुम घर जाओ। और आप? मुझे थोड़ी देर और इनसे काम है, फिर मैं आ जाऊंगा घर। ठीक है सुधाकर, बच्चे को घर लेके जाओ प्यार से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.